हेलो गाइस, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सबसे पहले गाइस, अगर आपको व्लॉगिंग स्टफ़, एंटरटेनमेंट स्टफ़ पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे बड़ी बात आप लाइक कर देना। इस वीडियो पे लाइक्स का एम रखते हैं 1K का एम रखते हैं, और प्लीज़ कंप्लीट कर देना यार। और हम जल्दी मनाली की ट्रिप मार रहे हैं, तो वो भी आप पूरा व्लॉग में देखेंगे, ठीक है? तो एंजॉय करिए वीडियो का। या गाइस, हम आ चुके हैं गांधीनगर एग्जीबिशन सेंटर, और हम जो अटेंड कर रहे हैं वो एनजी में एग्जीबिशन है। यहाँ टोटल 8 से 10 हॉल से हम सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आएगा। सब एक्सप्लोर करके आप सारे टाइम लैप्स देखना, आप बहुत एंजॉय करें। हेलो गाइस, देखो ये है स्टॉल, ये मेरे पापा ने स्टॉल ले रखा था, एग्जीबिशन है एनजी मैक करके, उसमें पार्ट लिया था। तो ये पूरा स्टॉल है, बेसिकली उनका काम है बेयरिंग, बॉल बेयरिंग का। तो देखो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, और मज़ा भी आएगा, अब एंटरटेन भी होंगे। तो बने रहिए और देखिएगा पूरा वीडियो, एंड में एक अनाउंसमेंट है। अच्छा, तो गाइस देखो, मेरे पापा का जो बिज़नेस था वो QLH बेयरिंग, उनकी एक ब्रांड है, और जो कंपनी का नाम है वो है एक्सिस मोशन टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ देखो, इस एग्जीबिशन की बात करें ना, तो यहाँ बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसमैन आए थे, एंटरप्रेन्योर्स आए थे, हर अलग अलग कंपनी अपना कुछ एक। हमने काफ़ी लोगों को पूछा भी, जो हमें नहीं समझ आ रहा था, मेजॉरिटीली कुछ समझ नहीं आ रहा था, मशीनरीज थे, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में यूज़ होती है, ये सब हमने जहाँ पर भी डाउट हुआ उनके स्टॉल पर गए पूछा। इसी यार एक चीज़ पता चली, एक एडवांटेज हुआ, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई, प्लस हमें काफ़ी नॉलेज मिला। ये था बेसिकली एक इंजीनियरिंग प्लस ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जीबिशन था यार। बहुत प्रोफेशनल लोग आए थे, जिसको देखो मेजॉरिटली कोट पैंट में था, एक प्रोफेशनल बंदा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं प्रोफेशनली, देखो ये दोनों जा रहे हैं, बहुत थे। जिस भी जगह देख रहे थे डील्स हो रही थी, प्रोफेशनल नहीं होता है वो एग्जीबिशन, वही पूरा वाइब हर जगह, लोग मीटिंग कर रहे, बात कर रहे, अपना बिजनेस का प्रमोट कर रहे, क्या है मेरा बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये था सोलार का, यहाँ ये जो वाला सेगमेंट है ना, वो देखो हमारा एनजी मैक था। और यार अब हमें लगी थी भूख यार, और हम आ गए पास में जो होटल थी वहाँ आ गए। मैंने मंगवाई थी पाव भाजी, और ये जो कौशल ने मंगवाया था एक थाली जिसमें 2 सब्जी थी और एक ही रोटी आई थी। पाव भाजी आई गेस 90 की थी, और इसकी प्लेट आई गेस 120 की थी। 2 सब्जी थी, उसमें एक पापड़ था और दाल थी। तो यार ये था हमारा, बड़ी भूख लगी थी यार, तो कब के चल रहे थे और जो पेट भर के खाया। फिर एक और चीज़ मंगवाई थी, डोसा, जो इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, हाँ रिकॉर्ड नहीं किया, डोसा मंगवाया था, मसाला डोसा, उसकी भी आई गेस रेट थी 90। और एक गाइस, मैं एक बात बोलूँगा यार, ऐसे इवेंट्स है ना, ज़रूर आपको जाना चाहिए, इससे ना हमें यार काफ़ी सीखने मिला, और काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिला यार, एक कम्युनिकेशन स्किल, एक बंदे जिसको हम स्ट्रेंजर है, जिसे जानते नहीं, और उनसे हम उनसे जानकारी ले रहे हैं, और जानकारी अलग, नॉलेज भी, नॉलेज का भी एक अलग ही लेवल होता है यार। यहाँ जो वाइब होती है प्रॉपर, जिन्हें इंटरेस्ट है ना बिजनेस में, उनके लिए सही था यार, मज़े आ गए। आगे बने रहे, आगे भी वीडियो है। हमने यार बहुत ठंडी अब, और हम इन ठंडी ठंडी हवाओं में स्कूटर में, ये कौशल भाई बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे भाई, सही में बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, रहा नहीं जा रहा यहाँ से, स्कूटर इतना स्लो चला रहे हम, मत पूछो, थोड़ा सा ही फास्ट चलाए ना तो मर जाए, इतनी ठंडी, क्या बोलते हैं बहुत। तो यार अब ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, रात हो गई थी, हमने फिर से रेस्टोरेंट में गए थे, खाना मंगवाया था, हमने मंगवाया था मंचूरियन राइस मंगवाया था, बहुत ठंड बढ़ चुकी थी। वो थे मेरे पापा, फूआ और 2 एम्प्लॉयज़ थे, और फिर हमने खाया यार ये टेस्टी सा पान, खाना खाने के बाद यार काफ़ी मीठा पान बोलते हैं इसे, काफ़ी अच्छा था। और मैं पूछ रहा था कौशल को कैसा लगा, वो बोल रहा था भाई खाने दे मुझे स्वाद लेने दे, ठीक है आगे देखिए। तो ये बेसिकली हमारी बालकोनी,
ये तुम लोग देख सकते हो, ये हमारा कुछ वाइड सा व्यू है बालकोनी का। एंड ये जो तुम लोग देख रहे हो ना पीछे, ये बेसिकली इतनी ठंड यहाँ पे इसलिए लग रही है क्योंकि ये बेसिकली जो है इधर पूरा पीछे फॉरेस्ट है एंड गांधीनगर इसके बीच में आया हुआ है। पूरा ओपन एरिया है, पूरा ओपन एरिया है। एंड सुबह बहुत ठंड थी, सुबह इसलिए हम लोग उठे तो भाई बहुत ठंडी लग रही थी, एकदम फ्रेश फ्रेश है ठीक है, और हम एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था, एकदम कोजी फील कर रहा था वही। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी होटल में और यहाँ मेरा दोस्त कौशल खड़ा है और हम कल एग्जीबिशन कल रात यहीं रुके थे और काफी बहुत मजा आई और रात को बहुत ठंड थी, मस्त सोए यार आज बहुत, मतलब सुबह उठे तो एकदम एनर्जेटिक थे, एकदम एनर्जेटिक थे। रूम दिखा दे पूरा, ठीक है मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो यार ये दो बेड है, ये पूरा रूम है, यहाँ ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है और यहाँ यार ब्यूटीफुल बालकनी है यार। ये जो हमारी बालकनी है बेसिकली ये बहुत अच्छी है, आई मीन जब हम लोग सुबह सुबह उठे तो कैसा फील होता बता, बहुत ठंड, मतलब उठने का मन नहीं करता था, बिल्कुल उठने का मन नहीं करा था। एंड एक बार एक पीछे का व्यू देते कि बेसिकली बालकनी, मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूं। तो यार ये है बालकनी का व्यू और ये मेरा दोस्त कौशल खड़ा है, व्यू का मजा ले रहा है और यार ये क्या व्यू देखो यार, मतलब पूरा जंगल है, ये गांधीनगर का एरिया है बाय द वे अगर ना पता हो तो। एंड जहाँ पर ये एग्जीबिशन सेंटर आया हुआ है ना, ये बेसिकली पूरा फॉरेस्ट से मतलब पूरा एरिया जो है अड़का पड़ा हुआ है। हाँ। तो इसलिए अब जब हम सुबह उठे तो इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ठंड, पूरा ओपन एरिया ना इसलिए बहुत ठंड, ठीक है। हम जा रहे हैं, खत्म हो गया एग्जीबिशन और हम जा रहे हैं फिर से घर और ये हमारा ब्यूटीफुल सा झंडा आप देख सकते हो, दिखा दिया। हाँ यार ये क्रॉस, हम जा रहे हैं घर पे, क्या बोलते हैं कौशल, कैसा रहा? हम जा रहे हैं, कैसा रहा? हाँ कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत सारी मशीन्स देखी, बहुत सारी मशीन्स के पार्ट देखे, देन बहुत सारे सोलर पैनल्स देखे एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जो इनका फ्यूचर है वो हमने देखा, लाइक वी वर वॉचिंग इलेक्ट्रिक स्टेशंस, राइट, इलेक्ट्रिक मेनी मशीन, या लाइक वी वॉच, या वी वॉच मेनी मशीन, मेनी मशीन्स, या सो दैट्स इट। एंड आई थिंक दैट लेट अस दैट टू नो अबाउट समथिंग अबाउट अ बिट ऑफ अबाउट इंजीनियरिंग, या वी गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस फील्ड इंजीनियरिंग, समटाइम्स लाइक इन लाइफ you gotta have multiple knowledges and that's how you get a perfect life, that makes you get a perfect balance. Yes, okay, so finally we are not ending this vlog, right? At the end after watching maybe Adani and Nirma University will end the vlog. Yeah, theek hai, to yaar yahi tha yaar, bahut great jaan rahi, theek hai band karta hu video. तो यार हम फिर पहुंच गए थे अदानी शांतिग्राम, बेसिकली जिसे ना पता अदानी शांतिग्राम क्या है, वो अदानी एक रियलिटी ग्रुप है जिनका वो बना रही है 40-50 बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं अहमदाबाद सिटी में, एक काइंड ऑफ नया ही पूरा सिटी बनाया जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्ट। और ये पूरा व्यू था, इसमें क्रिकेट ग्राउंड्स है, फुटबॉल ग्राउंड्स है, क्लब है, गोल्फ ग्राउंड है, बहुत कुछ है, पुलिस स्टेशन वगैरह बहुत कुछ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है। और अब ये हम टुवर्ड्स घर, होम टुवर्ड्स होम हम जा रहे थे, काफ़ी रोड पूरा खाली था और ये प्यारा सा सनसेट, अब ये इतना अच्छे व्यू के साथ अब हम एंड कर रहे हैं इस वीडियो को। तो काफ़ी सही था एग्जीबिशन और अदानी भी काफ़ी सही था, लाइक वहाँ सोसाइटीज़ बन रही है, एक पूरी अलग सिटी बना रही है आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद में। यही था, ऐसे कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, थैंक यू सो मच।